नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। प्रिय भक्तगणों, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, जिसका संबंध श्री राम से बताया जाता है। यूं तो एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी पर श्री हरि के साथ उनके ही स्वरूप श्री राम की पूजा का भी विधान है। तो चलिए अब श्रवण करते हैं विजया एकादशी की कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने तथा पढ़ने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान का कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशवतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दध्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दध्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दध्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप,
दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अत हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, श्री राम, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। धन्यवाद।